छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल विशाखापट्टनम रेलखंड पर नक्सलियों ने अपने आहुत बंद से एक दिन पहले शाम ही ट्रेन यातायात बाधित करने के लिए पटरी हटा दी, जिससे एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि माओवादियों ने भांसी और बचेली के बीच पटरी उखाड़ दी, जिससे एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गया। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में लौह अयस्क लदा हुआ था और यह ट्रेन किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही थी। उन्होंने बताया कि घटना शाम करीब 7 बजे बचेली पुलिस थाना क्षेत्र के स्थित जंगल में हुई। उन्होंने बताया इसमें किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ स्थानीय पुलिस के जवानों सहित रेलवे अधिकारियों की एक टीम सेवाएं बहाल करने के लिए मौके पर भेज दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ कल क्षेत्र में बंद का आह्वान किया है। नक्सलवादियों को काबू करने की सरकार द्वारा कई सालों से कोशिश जारी है, परंतु कई सैनिकों और पुलिस वालों की शहादत के बावजूद ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।